बहुत से दिनों से, बहुत से जिले ऐसे हैं उनमें जहाँ जानवर ज़्यादा हैं लेकिन डॉक्टर नहीं है, आपने कंप्यूटर से काम करा रहा हो और वहाँ आपको दवा देने की व्यवस्था नहीं है, दवा भी नहीं दे पाते, अगर आगे से लेके जो भी दवा की ज़रूरत होती है किसान खुद लेके आते हैं। दूसरी बात, जो मुर्गी पालन करते हैं, बकरी पालन के लोग करते हैं, उनमें उनका बीमा नहीं करते, एकदम बीमारी आती है, उनका पूरी की पूरी सार खत्म हो जाती है, मर जाती है, उधर ध्यान नहीं दिए देते आप। जो लोग तालाब खोदे पड़े हैं उनको आप सब्सिडी नहीं दे रहा है, उनको बीज नहीं दे रहा है कि उनमें मछली पालन का बढ़ावा हो। और एक बात मैंने कही कि ज़िंदगी में तो आप जानवरों की थोड़ी बहुत जो बात हो रही है वो हो रही है, लेकिन मरने के बाद आपको गाय जानवरों की चिंता करना चाहिए। मैंने कहा गाय सबके लिए, आप लोग उसको पूज नहीं मानते हो, उसके मरने के बाद उसके चमड़े के जूते बनाए जाते हैं, आप ऐसा कानून बनाइए कि उसके मरने के बाद उसको जलाया जाए या दफनाया जाए और उसका खर्चा सरकार बर्दाश्त करे और पूरी तरीके से उसके चर्बी, हड्डी और चमड़े के व्यवसाय पे पाबंदी लगाई जाए। डेयरी सहकारिता के क्षेत्र में मध्य प्रदेश की जो दुग्धसंघ है जिसको सांची के नाम से अपन जानते हैं, आज की तारीख में हम मध्य प्रदेश से बाहर जाके गुजरात में, राजस्थान में, दिल्ली में, मुंबई में, यहाँ सांची के ब्रांड का हमने सेल प्रारंभ की है क्योंकि हमारा उत्पादन बहुत तेज़ी से साथ बढ़ा है। आज की तारीख में हम 2 करोड़ रुपये प्रतिदिन हमारे दुग्ध उत्पादक किसानों को दे रहे हैं। इस तरीके से कृषि की जो इकोनॉमी है उसको हम तेज़ी की गति से बढ़ा रहे हैं और इसी का कारण जो हमारा GDP में योगदान मध्य प्रदेश में जहाँ 8% है, दिल्ली में वो सिर्फ 4% है। तो इस प्रकार दुग्ध के उत्पादन को हम तेज़ी से बढ़ा रहे हैं, उसके लिए जहाँ जहाँ जिस प्रकार की जितनी भी मदद की आवश्यकता थी, हमारे संयंत्रों को मजबूत करने की जरूरत थी, आज पांचों हमारे जितने दुग्ध संघ हैं वो मुनाफे में चल रहे हैं और उसके मुनाफे में चलने के कारण हमारा दुग्ध उत्पादक किसान जो है वो लाभ में चल रहा है। पशुपालन पुरस्कार एक योजना, बिल्कुल अभिनव योजना, हमारे देशी नस्ल को पहचानना पड़ेगा क्योंकि हम साथ में एक भ्रूण प्रत्यारोपण की योजना लेके आ रहे हैं। वो भ्रूण प्रत्यारोपण करना है तो किस में करना है उसके लिए हमको कोई डाटाबेस चाहिए, उस डाटाबेस के लिए हमने पहले एक गोपाल पुरस्कार योजना शुरू करी। तो जो अच्छी देशी नस्ल की अच्छा दूध देने वाली गायें हैं, आज की तारीख में करीब 1400-1500 हमारी गाय चिन्हित होती हैं जिनको कि हम इनाम देते हैं, 1000 रुपये का, लाखों रुपये तक का इनाम उनको देते हैं। उसी की कड़ी में हमने कहा है कि देशी नस्ल की ऐसी गाय जो औसत से 30% ज़्यादा दूध देती है उसको चिन्हित करना है, उसको चिन्हित करके और उसके बछिया और बछड़े को भी चिन्हित करना है। उस बछड़े और बछिया को फिर हम 500 रुपये महीने की स्कॉलरशिप देंगे आने वाले 2 साल तक, ताकि वो भविष्य में अच्छी नस्ल की गाय बन सके या अच्छे नस्ल का बछड़ा बन सके और हमारी देशी नस्ल की गाय का डाटा बेस हमारे पास और ज़्यादा मजबूत हो पाए और उसके माध्यम से हम खेती की और कृषि की जो इकोनॉमी है रूरल की, उस इकोनॉमी को मजबूत कर पाए। आदि वकील ने एक मुद्दा उठाया कि जैसे गाय की मौत हो जाती है, जो चमड़े होते हैं और दूसरे होते हैं उसके सामान न बने। देखिए, ये संस्कृति का हमारे देश की भारतीय प्राचीन चीज है। यदि गाय को मार के उसकी चीज को नहीं उपयोग करना है, पर मरी हुई गाय को माँ हम इसलिए कहते हैं कि मरने के बाद भी वो अपने हड्डी और चमड़ा हमको दान में दे जाती है और उसका उपयोग करना हमको सिखा जाती है। फिश मार्केट कितने फिश मार्केट में अभी क्या है कि हमने गरीब जो मछुआरे सड़क के किनारे मछली बेचते हैं उनको ज़्यादा अच्छी स्थिति में लाने के लिए फिश मार्केट जैसी छोटी एक कल्पना करी। एक सीमेंट का चबूतरा बना हो, उसके ऊपर एक छोटा ऊंचा चबूतरा बना हो जिस पर वो बैठ के माल बेचे और नीचे वाले चबूतरे पे खड़ा होकर ग्राहक माल खरीदे और वहाँ पानी की व्यवस्था हो, हैंडपम्प की व्यवस्था हो, ऊपर छाया की व्यवस्था हो। 3.5 लाख की लागत से इस प्रकार के सड़क के किनारे मछली के बाजार बनाए जा सकते हैं। अभी प्रारंभिक तौर पर, प्रायोगिक तौर पर हमने 150 मछली के ऐसे बाजारों को बनाने का फैसला किया। पशुओं में DNA प्रिंटिंग, हमारे DNA प्रिंटिंग की इक्विप्ड लैब हमारे वेटनरी कॉलेज, वेटनरी यूनिवर्सिटी जबलपुर में पहले से काम कर रही है। उसके साथ में जोड़ के हमने काम किया है कि हमारे जो भी हमारे, जब तक हम लोगों को सिलेक्टिव ब्रीडिंग नहीं करेंगे, और सिलेक्टिव ब्रीडिंग के लिए जरूरी है कि हम उसका DNA प्रिंटिंग करके और उसका रिकॉर्ड रखें। टैग गुम सकता है, DNA प्रिंटिंग का रिकॉर्ड नहीं गुम सकता। तो DNA प्रिंटिंग करने की दिशा में मॉडर्न टेक्नोलॉजी जिसको हम कहते हैं, जो विदेश में हम जाके देख के आए हैं उसका लोग उपयोग कर रहे हैं, तो हम क्यों नहीं उपयोग कर सकते। तो वहाँ से लौटने के 2 महीने के अंदर हमने इन सबको प्रायोगिक तौर पर उतारने का फैसला किया, उसके लिए बजट में प्रावधान कर दिया।